किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पिता से अमीर इंसान नहीं देखा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। आज के इस मोटिवेशनल स्टोरी के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि इस दुनिया में हर किसी के लाइफ में फादर की इम्पोर्टेंस क्या है, एक पिता की महत्ता क्या है। माँ की ममता पर तो कई सारी कहानियाँ लिखी गई हैं, कई सारी बात बताई गई हैं, लेकिन पिता का एक व्यक्ति के जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, उसी कहानी के बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपसे एक ही गुजारिश है कि आप कहानी को अंत तक सुनिएगा, अदरवाइज कहानी का आप कोई सार निकाल नहीं पाएंगे, उसकी कोई समरी निकाल नहीं पाएंगे। कहानी को अंत तक सुनिएगा और डेफिनेटली अगर लास्ट में अपने फादर के लिए एक लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों एक लड़का रहता है, वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा होता है, और जब वह बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा होता है तो उसके फादर उसको बहुत सारी चीज़ें अक्सर ला के देते हैं, जो भी उसके पढ़ाई से संबंधित चीज़ें हैं। उसके पिता हमेशा उसको कहा करते थे कि तुम अच्छे से पढ़ो, बेहतर पढ़ो, और हमेशा आशीर्वाद दिया करते थे कि तुम एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनो। ऐसे करके बात चलती चली जाती है, चलती चली जाती है। उस लड़के की सिर्फ एक इच्छा थी, वो बहुत पढ़ाई करता था, उसकी सिर्फ एक इच्छा थी जो कि बाइक की थी, बाइक लेने की। वह अक्सर अपने पिता से वह लड़का कहा करता था कि मेरे सारे फ्रेंड बाइक से कोचिंग आते हैं, बाइक से कॉलेज जाते हैं, लेकिन मेरे पास बाइक नहीं है तो मुझे थोड़ा इंसल्ट फील होता है। तो उसके पापा अक्सर उसे मना करते थे कि बाइक अभी मत लो, कुछ दिन बाद मैं तुम्हें बाइक दिला दूंगा। लेकिन वह लड़का हमेशा उनसे डिबेट करता रहता, उसकी यह बात हमेशा डिबेटेबल होती थी, और वह हमेशा अपने पिता से बहस करता रहता। एक दिन उसके पिता ने उस लड़के को बहुत ज़्यादा डांट दिया, और जब बहुत ज़्यादा डांट दिया तो वह उस लड़के को यह बात अच्छी नहीं लगी, और उस लड़के ने डिसाइड किया कि एक दिन वह घर छोड़ देगा। अगले दिन उसके पिता सुबह सुबह बाजार जाते हैं, और उनकी माताजी भी, उस लड़के की माताजी भी उनके उसके फादर के साथ जाती हैं। दोनों लोग बाजार जाते हैं, वह लड़का घर में रहता है, और उस लड़के ने डिसाइड किया चलो आज कोई नहीं, आज घर छोड़ ही देते हैं। जब वह लड़का घर छोड़ने की तैयारी करने लगता है और बाहर जाता है तो देखता है कि फादर का जो पर्स था वो भूल गया था और टेबल पर रखा था। उसने पर्स उठाया और कहा कि चलो बढ़िया है, पर्स ले जाते हैं, और बहुत सारा माल छुपा रखा है। तो उसने पर्स उठाया और चल दिया। जल्दी जल्दी उसने अपने फादर के जूते अपने पैर में डाल लिए। जल्दी जल्दी में जब उसने अपने फादर के जूते अपने पैर में डाल दिए, लड़का चलता 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 कुछ आगे तक पहुंचता है तो उसने देखा कि उसने फादर के जूते अपने पैर में डाल रखे हैं। तो गुस्से की वजह से उसने अपने फादर के जूते उतारे और हाथ में ले लिए और पैदल पैदल चलने लगा। आगे जाने पर उसे एक पत्थर लग जाता है, और वह पत्थर जो उसके लगता है तो उसको खून निकल जाता है। तो वह लड़का सोचता है कि पर्स तो लिया है, चलो आगे हॉस्पिटल है, यहाँ पर हॉस्पिटल, आगे हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे, इन्हीं पैसों से, पैसों तो खूब सारे हैं ही। आगे जब वह जाता है, उसके पहले उस हॉस्पिटल पहुँचने से पहले अपने मन में डिसाइड करता है चलो यार पर्स निकाल कर देख लेते हैं, पर्स निकाल कर देख लेते हैं कि पर्स में कितने रुपए हैं। जब वह पर्स खोल कर देखता है तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि पर्स में सिर्फ 100 रुपए थे। हालांकि पर्स काफी फूला हुआ था, लेकिन पर्स में सिर्फ 100 रुपए थे, और उसमें बहुत सारी पर्चियां थी। वो सभी पर्चियां जिम्मेदारी की पर्चियां थी। वह लड़का क्या करता है दोस्तों, जब वह लड़का 100 रुपए देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है। जब वो पहली पर्ची पढ़ता है तो उसमें उस पर्ची में देखता है कि कुछ दिन पहले उस लड़के को उसके फादर ने अपने मित्र से पैसे उधार लेकर लैपटॉप दिलवाए थे जो उसकी पढ़ाई के लिए काम आने वाले थे। अगली पर्ची उठाता है तो राशन की पर्ची थी। जब वह अगली तीसरी पर्ची उठाता है तो उस पर्ची में कई सारी उधारियां लिखी हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल था, इसके अलावा बहुत सारी चीजें, घर का राशन का सामान था, इस तरह से कई पर्चियां उधार की रखी हुई थी। उस लड़के को तुरंत यह बात समझ में आ जाती कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब वह लड़का आखिरी पर्ची उठाता है तो वह कोई पर्ची नहीं थी, उसमें एक अखबार का विज्ञापन था जिसमें लिखा हुआ था पुराने स्कूटर को देकर जाएं और नई बाइक लेकर जाएं। उस लड़के को समझने में देर नहीं लगी कि फादर हमारे लिए बाइक लेने गए हुए। वहां से तुरंत भागा भागा दौड़ते दौड़ते घर आता है। उसके पैरों में पत्थर लग गया था तो खून चल रहा होता है, उसने खून कुछ नहीं देखा हुआ है। दौड़ते हुए भागते हुए आता है दोस्तों, और जब भागते हुए आता है तो घर में देखता है तो उसके फादर तो थे नहीं और उसकी मदर भी नहीं। तो वह उस पर्ची को देखता उसी पते पर पहुंच जाता है जिस पर लिखा था कि पुराने स्कूटर को दे जाए और नई बाइक लेकर जाए। उस पते पर पहुंचता है, अपने फादर के पैरों में गिर पड़ता है और बोलता है पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जल्दी जल्दी में मैंने आपका पर्स भी चुरा लिया था, लेकिन अगर आज यह पर्स मैं नहीं चुरा था तो मुझे मुझे फादर की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती, मुझे इन जिम्मेदारियों का जो बोझ आप उठा रहे हैं, इन जिम्मेदारियों का बोझ मुझे समझ में नहीं आता। तो दोस्तों
उसके फादर ने उसे उठाया और गले से लगा लिया और बोला, कोई बात नहीं बेटा। उसने कहा, मैं बहुत पढ़ूंगा पापा और एक बढ़िया बेहतर से बेहतर इंजीनियर दोस्तों बेहतर से बेहतर इंजीनियर बनकर दिखाऊंगा, उसने अपने पापा से कहा। अंत में उसने कहा, पापा यह स्कूटर मत मत बेचिए। वही पुरानी स्कूटर थी जिस स्कूटर से वह स्कूल जाया करता था। उसके फादर उसे स्कूल छोड़ने जाया करते थे, जिस स्कूटर से उसके फादर उसे ट्यूशन छोड़ने जाया करते थे। उस स्कूटर के साथ बहुत सारी इमोशन जुड़ी हुई थी और उसने कहा, पापा चलो घर चलते हैं, बाइक नहीं लेना है मुझे। और वह तीनों लोग उस घर आ जाते हैं उसी स्कूटर से। दोस्तों यह कहानी हमें यह बताती है कि फादर की इम्पोर्टेंस इस लाइफ में कितनी है। कई बार फादर के पास जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, इसीलिए दोस्तों कहा भी गया है अक्सर, इसीलिए दोस्तों कई जगह कहा भी गया है कि जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पिता से अमीर इंसान नहीं देखा। तो दोस्तों हमारे पेरेंट्स की आंखों में दो ही बार आंसू आते हैं, एक जब बेटी घर छोड़ती है और दूसरा जब बेटा मुंह मोड़ता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने फादर के रेस्पेक्ट करेंगे और उनकी डिग्निटी को मेंटेन रखने का प्रयास करेंगे और अपनी लाइफ में बेहतर से बेहतर करते चलेंगे। अंत में फिर वही कहना चाहूँगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत में विश्वास के साथ और सच्ची लगन के साथ कर जाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों।